गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो आज नया टॉपिक शुरू करना है अपने को, एंड दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे पहले ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में, जिससे कि आपको आगे उसमें दिक्कत नहीं आए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन समझने में। तो आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज अ ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन आप अपने चारों आसपास देखते होंगे, पिलर्स जो है खड़े रहते हैं और उनके बीच में जो तार है ना, वो चलते रहते हैं, दो तार, तीन तार, चार तार, इस तरह से दिखे हुए लगे हुए होते हैं। तो वो सब क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है। और भी तरह की ट्रांसमिशन लाइन है, आपके घरों में जो जा रहे हैं, दो तार जा रहे हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो ए ट्रांसमिशन लाइन। कोएक्सियल केबल की मैंने बात की थी आपसे, राइट? तो कोएक्सियल केबल में भी जो है इस तरह से सेंटर में कंडक्टर होता है और उसके चारों तरफ जो मैश के रूप में एक कंडक्टर होता है, तो दिस इज आल्सो ए ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या है? ठीक है, सो ट्रांसमिशन लाइन दैट इज डिफाइन। नाउ वी डिफाइन ट्रांसमिशन लाइन। सो ट्रांसमिशन लाइन इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट इज अ ट्रांसमिशन लाइन? ए ट्रांसमिशन लाइन सो ट्रांसमिशन लाइन इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसमिशन लाइन की। ओके, अब अपन चलते हैं, अपन ने सर्किट्स अभी तक बहुत पढ़े, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे सर्किट्स पढ़े। तो सिंपल एक सर्किट अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं कि मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें कि आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, एंड सो ऑन, एक तरह का ये एलसीआर सर्किट ही हो गया। ठीक है ना, इस तरह से ये सर्किट जो है, और यहां पर हम डीसी भी लगा सकते हैं या हम एसी भी लगा सकते हैं, है ना।
ओके तो यहां पर जब हम इसमें एसी लगाते हैं तो जनरली अपन जो है बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, अपन यदि घरों की लाइन लें तो वो तो 50 हर्ट्ज की लाइन ही होती है और बाकी जो अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो इसलिए वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ की तुलना में ये जो एलिमेंट्स हम लगा रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स लगा रहे हैं इनका जो साइज है वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो सर्किट जो है दैट एनालिसिस अस्यूम्स दैट द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ ए नेटवर्क है दे आर मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ। ओके बट ट्रांसमिशन लाइन्स जो है जब अपन यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो उस वक्त जो है वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है और उस वक्त जो ट्रांसमिशन लाइन इटसेल्फ जो है, जैसे अपने ये दो वायर ले लिए ट्रांसमिशन लाइन के, ये इटसेल्फ जो है इन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकल भी करते हैं एलसी सिमुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन है ना, एलसी ट्रांसमिशन लाइन आप पढ़ते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो वो कब जरूरी हो जाता है, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तो अभी हम जो है पहले एक बार ट्रांसमिशन लाइन को लेकर और उसकी स्टडी करते हैं कि उसको उसमें यदि अपन ये चीजें ले लें तो किस तरह से हमको जो आउटपुट बिहेव करेगा, वोल्टेज कैसा बिहेव करेगा, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो अब इसके लिए आइए अपन जो है इसमें पहले एक फिगर बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहां पर एक ट्रांसमिशन लाइन बना लें अपन, एक ही ट्रांसमिशन लाइन है राइट, जिसमें कि हम मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है आई, जो कि फंक्शन है जेड और टी का, ये डायरेक्शन हम जेड ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमने वोल्टेज ले लिया, ये प्लस पॉइंट ले लिया मान लीजिए, ये माइनस पॉइंट ले लिया, और इसके बीच में वोल्टेज अपन ने लिखा वी जेड टी, दिस इज द वोल्टेज राइट। और सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी अपन ने लंबाई ले ली डेल्टा जेड, एक स्मॉल एलिमेंट, बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। तो अब इस केस में अब इसको अपन कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की तरह है। इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा, कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। R और फिर अपन ने ले लिया L और यहां पर ले लिया एक कंडक्टेंस, देन एक कैपेसिटेंस, ये छोटा सा हिस्सा जो हमने डेल्टा जेड ऊपर लिया है वही हिस्सा लिया है हमने यहां पे, और उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर, ठीक है, यहां पे इन दो पॉइंट के बीच में वी जेड टी, ये हमने वोल्टेज ले लिया, यहां से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है आई जेड टी इस पॉइंट पे, तब यहां हम इसको लिखते हैं आर डेल्टा जेड, जहां आर जो है वो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, इसको लिखते हैं हम एल डेल्टा जेड से, जहां पर एल जो है वो इंडक्टेंस है पर यूनिट लेंथ, देन ये जो हमने लिया है इसको लिखते हैं हम जी डेल्टा जेड, जहां पर जी जो है वो कंडक्टेंस है पर यूनिट लेंथ, और सी इंटू डेल्टा जेड ये कैपेसिटेंस है पर यूनिट लेंथ। तब हमको यहाँ आउटपुट में मान लीजिए वोल्टेज मिल जाता है V, now it will be Z plus delta Z, क्योंकि Z पे तो हमने VZ ले लिया, तो ये हो जाएगा VZ plus
डेल्टा जेड इंटू टी, और यहां पर करंट भी उसी हिसाब से हो जाएगा आई जेड प्लस आई जेड प्लस डेल्टा जेड टी। ओके, तो ये डिफरेंट चीजें आपने ले ली, तो इसको अपन ट्रांसमिशन लाइन को जनरली अपन क्या करते हैं, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टू वायर लाइन में हमने इसको अभी लिया हुआ है, और यहाँ मिनिमम टू कंडक्टर्स अपने पास हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो अपन ने छोटा सा एलिमेंट लिया है डेल्टा जेड, दैट इज इनफाइनिटली स्मॉल, एंड आर आई टोल्ड यू आर इज द सीरीज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर आर दैट इज इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर। ओके, एंड देन एल, एल इज अगेन सीरीज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, और इंडक्टेंस का यूनिट आप जानते हो दैट इज हेनरी एंड दिस इज पर मीटर। देन जी, जी अब सीरीज में नहीं है, जी किसमें, शंट में, दोनों वायर के बीच में है, तो जी इज द शंट कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड इट्स यूनिट इज सीमेन पर मीटर। ओके, एंड सी, सी इज द शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, शंट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ एंड इट्स यूनिट इज फैरेड पर मीटर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टेकन। सीमेन जो है दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड दैट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ दिस सीरीज इंडक्टेंस एल दैट रिप्रेजेंट्स द इंडक्टेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स, ऑफ कोर्स पर यूनिट लेंथ को ध्यान में रखना। So series inductance L, it represents the total self inductance of the two conductors. The shunt capacitance C, कैसे मिल रहा है ये shunt capacitance C, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो दोनों conductor वो एक दूसरे के नजदीक हैं, चाहे उनके बीच में air है परंतु एक capacitance का formation हो रहा है। So shunt capacitance C, that is due to the close proximity है of the two conductors, ठीक है। नाउ जो सीरीज रेजिस्टेंस आर है दैट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जब भी कोई कंडक्टर कंडक्टिविटी होती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, सो दैट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स। एंड द शंट कंडक्टेंस जी, अब ये कहां से आया, शंट कंडक्टेंस जी इज ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन द मटेरियल बिटवीन द कंडक्टर्स। यहाँ पर एयर है, दो वायर अपन ने ओपन लिए तो एयर है, और यदि आप कोएक्सियल केबल लेते हैं तो कोएक्सियल केबल में जो सेंटर कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक, और फिर उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर होता है, फिर उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो शंट कंडक्टर्स क्या है, दैट इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस इन द मटेरियल बिटवीन द कंडक्टर्स, एंड देयरफॉर आर और जी जो आपके हैं, आर के कारण भी लॉसेस होंगे और जी के कारण भी लॉसेस होंगे। सो आर एंड जी, ठीक है ना, आर एंड जी देयरफॉर दे रिप्रेजेंट लॉस, दे रिप्रेजेंट लॉस इन कंडक्टर्स। ओके, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। ऑलराइट, अब यदि ये तो अपन एक डेल्टा जेड स्मॉल फ्रैक्शन लिया है, तो यदि अपन पूरी ट्रांसमिशन लाइन को लें तो अपन समझ सकते हैं कि पूरी ट्रांसमिशन लाइन इसी तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है इनके द्वारा बनी हुई है। अब चलिए, अब इस सर्किट को हमको स्टडी करना है, तो अब इस सर्किट को यदि अपन लें तो सर्किट में अपन एक बार तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और दूसरी बार किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये हमको क्या लेना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो वोल्टेज है वो ये VZT है यहाँ पे इनपुट में, तो अपन लिख ले मान लीजिए इसको VZT, और जब अपन VZT को पॉजिटिव लेंगे तो बाकी के जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए VZT माइनस अपन लेंगे R इंटू डेल्टा Z, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, और इसको गुणा किससे कर दें, करंट से, तो इंटू आई जेड टी। सो ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, देन माइनस अगेन आई डेल्टा जेड, सॉरी नॉट आई डेल्टा जेड, एल डेल्टा जेड माइनस एल डेल्टा जेड, और यहां पर चूंकि एल है तो यहां पे क्या होगा, करंट जो है वो क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है, तो इसलिए अपन इसको लिखते हैं डेल्टा आई जेड टी एल डेल्टा जेड इंटू डेल्टा आई जेड टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऑलराइट, एंड देन माइनस वी लास्ट में, क्योंकि जी और सी अपन नहीं ले रहे हैं, पूरा लूप ले रहे हैं इनपुट और आउटपुट को लेते हुए, तो माइनस वी इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड टी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें हमने पूरा लूप ले लिया, यहां से चला, यहां से लिया हमने, इधर से लेते हुए ये पूरा कंप्लीट लूप ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की सहायता से इक्वेशन बन गई। इसको मान लीजिए नंबर दे दें अपन 1A। ओके, देन वी अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, तो नाउ बिकॉज ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाए तो देखिए अपन लिख सकते हैं आई जेड टी। अब अपन कहां लगा रहे हैं, इस ये जो है, ठीक है ना, यहां अपन किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहे हैं, तो देखिए अपने को क्या क्या मिलेगा, दैट विल बी KCL दैट इज इक्वल टू आई जेड टी माइनस जी इंटू डेल्टा जेड माइनस जी इंटू डेल्टा जेड, और क्या हो जाएगा, ये जी इंटू डेल्टा जेड कंडक्टेंस है तो इसको अपने को वोल्टेज से गुणा करना पड़ेगा। सो दिस विल बी वी, और यहां पे वोल्टेज है जेड प्लस डेल्टा जेड टी, तो ये हो जाएगा आपका करंट थ्रू दी कंडक्टेंस, देन कैपेसिटेंस से भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, तो कैपेसिटेंस से अपन यहां पे ले लें, सो दिस विल बी माइनस सी इंटू डेल्टा जेड, सी इंटू डेल्टा जेड, देन डेल्टा, अब यहां पे भी चेंज के कारण अपन क्या लेंगे, डेल्टा वी, इसको नीचे लिख लेते हैं, पूरा आएगा नहीं यहां पे, सो लेट अस राइट इट हियर, सो दिस विल बी माइनस सी इंटू डेल्टा जेड, ओके, डेल्टा वी इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी माइनस आई इंटू, इट्स नॉट इंटू एक्चुअली, आई एट द पॉइंट है ना, जेड प्लस डेल्टा जेड टी दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अपन लिख लें 1B। ओके, सो अब 1A को 1B से
अपन वन सॉरी वन ए और वन बी को डेल्टा जेड से एक तो डिवाइड कर दें क्योंकि सब में डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड से डिवाइड कर दें और फिर लिमिट लें डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो, तो हमको क्या मिल जाएंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो वो अपन लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर वी जेड टी है आपके पास पहली इक्वेशन में वी जेड टी और माइनस वी जेड प्लस डेल्टा जेड इन टू टी, इनको डेल्टा जेड से तो पहले डिवाइड किया और फिर इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो स्मॉल डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो उसको अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी जेड टी अपॉन डेल्टा जेड, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा वी जेड टी अपॉन डेल्टा जेड, क्योंकि डेल्टा जेड से तो अपन ने डिवाइड कर दिया है, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, माइनस आर आई जेड टी, ओके। सो दिस विल बी माइनस आर आई जेड टी, ये दूसरा टर्म बच जाएगा और फिर उसके बाद माइनस एल डेल्टा आई जेड टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से कि दिस विल बी, ये प्लस कर दे दिया अपन इसको, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस दिस एंड माइनस दिस, ठीक है, हैं? ये हो जाएगा। सो दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2A, देन सेकंड इक्वेशन से भी अपन उसी तरह से लिख सकते हैं, अपने को इसको डिवाइड करना है तो अब अपने पास सीधा सीधा लिख लेते हैं, अब आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है। सो वी कैन राइट डेल्टा आई जेड टी डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड दैट इज इक्वल टू माइनस जी वी जेड टी माइनस सी डेल्टा वी जेड टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2B। ऑलराइट, आप ये जो इक्वेशन 2 है यदि हम सिनुसॉइडल और स्टेडी स्टेट कंडीशन ले लेते हैं तो फॉर सिनुसॉइडल स्टेडी स्टेट कंडीशंस वी कैन राइट डी वी जेड, टाइम हमने हटा दिया यहां से, है ना, स्टेडी स्टेट है तो डी वी जेड अपॉन डी जेड दैट इज इक्वल टू माइनस, अभी हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस, अब आपको ध्यान हो अपन ने डेल्टा बाय डेल्टा टी जो है उसकी जगह जे ओमेगा लिया था तो वो अपन यहां यूज करेंगे, तो माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल डेल्टा बाय डेल्टा टी की जगह, ठीक है ना, इनटू आई जेड, ओके। तो यहां पर ये जो हमने यहां लिया, देखिए इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2A, तो 2A में अपन ने डेल्टा बाय डेल्टा टी का इस्तेमाल किया तो सिर्फ जे ओमेगा हो गया और जे ओमेगा एल इंटू आई जेड हो गया, ठीक है, तो वो हमने यहां पे लिख लिया। अब दूसरा इक्वेशन भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, दैट विल बी डी आई जेड डिवाइडेड बाय डी जेड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी जेड, ऑलराइट। इन इक्वेशन को अपन नंबर दे दें 3A एंड दिस इज सपोज 3B, ऑलराइट। तो ये अपन ने इक्वेशन निकाल ली, नाउ लेट अस सी द वेव प्रोपेगेशन ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन।
तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वेव प्रोपेगेशन ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो ये जो टू दो इक्वेशन अपन ने निकाली, इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री ए एंड थ्री बी, इनको अपन क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको क्या करेंगे कि इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वेव इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या मिलता है, वी गेट डी स्क्वायर वी जेड बाय बी जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू डी आई जेड बाय डी जेड, है ना। अब डी आई जेड बाय डी जेड का मान जो है वो अपन इक्वेशन नंबर थ्री बी से रख सकते हैं। तो चलिए यहीं पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर लें, ये डी आई जेड बाय डी जेड में हटा देता हूं, ये आपके समझ में आ गया। अब इसकी जगह अपन लिख देते हैं यहां पर डी आई जेड बाय डी जेड की जगह माइनस साइन और आएगा ना, तो माइनस माइनस आएगा तो ये बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी जेड। ऑल राइट, सो यू कैन राइट दिस एज डी स्क्वायर वी जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम गामा ले लेते हैं यहां पे, गामा स्क्वायर वी जेड, क्योंकि इसी तरह की इक्वेशन होती है आपकी वेव इक्वेशन, तो गामा स्क्वायर वी जेड, और यू कैन राइट डी स्क्वायर वी जेड बाय डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अपन यहां से इसको हटा दें और चलिए यहां लिख देते हैं माइनस गामा स्क्वायर वी जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह से अपन आई के लिए भी लिख सकते हैं, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आई जेड डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आई जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आपकी मिल गई वेव इक्वेशंस फोर ए एंड फोर बी, जहां पर गामा क्या है आपका, है गामा इज प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है, सो गामा दैट वी नो दैट वी राइट एज अल्फा प्लस जे बीटा एंड दिस इज नथिंग बट ऊपर जो हमने सब लिया है उसके हिसाब से अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ओके, ये हमने ले लिया, तो दिस गामा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, या कॉम्प्लेक्स है ना ये, इसलिए कॉम्प्लेक्स का है इसको, है ना, अदरवाइज इट इज अ प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। सो गामा इज अ प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट विच इज कॉम्प्लेक्स हियर, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट विच इज इन दिस पर्टिकुलर केस इज कॉम्प्लेक्स। ओके राइट, ऑल राइट, एंड दिस गामा वी सी दैट इट इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, गामा इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सॉल्यूशंस हियर वी कैन राइट एज वी जेड इक्वल टू वी जीरो प्लस, अभी बताते हैं ये सब क्या चीजें हैं, ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस वी जीरो माइनस ई टू द पावर गामा जेड एंड आई जेड दैट इज इक्वल टू आई जीरो प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस
I zero minus into e to the power gamma z. So this is your suppose equation number. इसको 5 देते हैं, यहाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दें 6a और इसको दे दें 6b. ओके, तो e टू द पावर माइनस गामा जेड जो टर्म है यहाँ पे जो अपन ने लिया, तो गामा इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, सो e टू द पावर माइनस गामा जेड, राइट, this represents wave propagation in plus z direction. This is representing wave propagation in plus z direction. Okay, and e to the power minus gamma z, wo kya ho jayega phir? E to the power gamma z, not minus gamma z, that is plus gamma z. ये क्या हो जाएगा? Wave propagation in minus z direction. So this will be wave propagation in minus z direction. All right. Now अब अपन ने equation 3 देखे हैं, दिया अपन यहाँ पे. इक्वेशन 3 इधर ही है, इक्वेशन 3. ऑल राइट, सो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन राइट फॉर आई जेड. इक्वेशन 3 जो हमारा है, यहां से हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई जेड है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस J omega L, okay, into dVz by dz. ठीक है, अब हमने निकाला है vz, निकाला है हमने यहां पे इक्वेशन नंबर 6 से, देखे दी अपन, तो इक्वेशन नंबर 6 से ऐसे हम vz लिख सकते हैं यहां पे. सो यूजिंग इक्वेशन 6a, right? We get iz that is equal to minus 1 upon r plus j omega l into d by dz of kya jayega v0 plus e to the power minus gamma z प्लस v0 माइनस e टू द पावर गामा z. ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करें यदि अपन, तो बीच की एक दो स्टेप में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, मैं सीधा लिख दे रहा हूं यहां पे, दैट विल बी इक्वल टू गामा अपॉन r प्लस j ओमेगा l, गामा बाहर आ जाएगा, राइट, and into we will get v0 plus e to the power minus gamma z minus v0 minus, yeah, after differentiating hai, differentiate kar lijiyega, into e to the power gamma z, ko dikkat aaye to puch lijiyega. So you will get this, or you can write iz is equal to आई जेड, इसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं, आई जेड दैट इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ई टू द पावर माइनस गामा जेड माइनस वी जीरो माइनस ई टू द पावर गामा जेड डिवाइडेड बाय हो जाएगा जेड, सम जेड जीरो, where z0 will be given by r plus j omega l upon gamma. Okay, so where your z0 that will be equal to r plus j omega l upon gamma. All right, and this is called the z0 that is called
कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ओके. सो लेट अस फाइंड व्हाट इज जेड जीरो नाउ. सो जेड जीरो दैट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय गामा. सो गामा अपन ने निकाला हुआ था अपॉन अंडर रूट आर प्लस, अभी अभी निकाला था अपन ने, जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी. ओके, दिस वी हैव फाउंड आउट. तो इसको अपन लिख सकते हैं अब आर प्लस जे ओमेगा एल ऊपर रह जाएगा तो पूरा अंडर रूट साइन में ले लें इसको. सो दिस इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी. ओके, तो ये मिल गया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार अपन यूज करेंगे इसका. सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7. सो दिस इज योर जेड जीरो. ओके, एंड सो इक्वेशन जो आईजेड की है वो अपन लिख सकते हैं, आईजेड इज इक्वल टू जो इक्वेशन नंबर हमारी 6 हमने लिया था, आईजेड हमने निकाला था. ये देखिए यहां पर आ गया, ये आईजेड अभी अपन ने निकाला था, इसको अपन 6C लिख देते हैं. चलो दिस इज योर 6C नंबर. तो इक्वेशन 6C से है ना हम आईजेड लिख सकते हैं अब. तो फ्रॉम From equation 6C, we can write IZ that is equal to V0 plus upon Z0 e to the power minus gamma Z minus V0 minus अपॉन जेड जीरो ई टू द पावर गामा जेड. ठीक है ना, और अपन ये भी जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या हो जाएगी. नाउ वी नो दैट बीटा, जो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा अपन ने लिया है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, इसमें जो बीटा है दैट इज गिवन बाय 2π/λ. And therefore, the wavelength, all right, on the transmission line, that will be given by 2π/β. Okay, and the phase velocity is different from the velocity in free space. Phase velocity, वैसे आपने पढ़ी हुई है आपके BSc थर्ड ईयर में. सो VP दैट इज गिवन बाय ओमेगा अपॉन बीटा, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था इसको. एंड दिस विल बी इक्वल टू 2π f डिवाइडेड बाय बीटा इज योर 2π/λ. ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. ऑल राइट, सो दीज इक्वेशंस आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. आईजेड का आ गया आपका, आईजेड का इक्वेशन अपन लिख लेते हैं. Suppose this is equation number 8 and इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को. This is equation number 9 and this we got equation number 10. All right. So this was all about the wave propagation on a transmission line. So अगला topic अब next lecture में शुरू करेंगे अपन, जिसमें हम lossless transmission line के बारे में पढ़ेंगे. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Everything is clear? Yes, sir.